नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताएंगे। मूवी कतीरा एंड मूवी डेविल द ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट आज रिलीज हुआ है, तो ये दोनों मूवी के पहले दिन के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताएंगे। एंड मूवी सालार रिलीज के पूरे 8 दिन कंप्लीट हो चुका है, तो इस वीडियो के अंदर सालार मूवी के भी 8 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताएंगे। आपसे उम्मीद है कि वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें डेविल द ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी एक तेलुगु मूवी है और आज सिंगल तेलुगु भाषाओं में ही रिलीज हुआ है। दोस्तों, मूवी डेविल को हर जगह से पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं, अच्छी बात है। दोस्तों, आगे चल के इस मूवी के कलेक्शन बेहतर होंगे। डेविल एक स्पाई एक्शन माइस्ट्रियस थ्रिलर मूवी है, जिस मूवी के अंदर हमें कास्टिंग पे देखने को मिले हैं नंदामुरी कल्याण राम सर को, समुत्या मेनन जी, इल्नुस नुरू जी, मार्क बेनिंगटन और भी बहुत सारे कलाकार देखने को मिले हैं। मूवी डेविल द ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट, इस मूवी के टोटल बजट है पूरे 35 करोड़। जी हाँ दोस्तों, पूरे 35 करोड़ बजट है इस मूवी के। कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों, इंडिया बॉक्स ऑफिस पे आज जो नेट कमाई किया है इस मूवी ने, पूरे 2 करोड़ 50 लाख रुपए, जबकि इंडिया के अंदर आज डोमेस्टिक ग्रोस कलेक्शन हो चुका है पूरे 3 करोड़ का। और आज पहले दिन ओवरसियस यानी इंडिया के बाहर से जो कमाई आया है पूरे 50 लाख रुपए। यानी दोस्तों, मूवी डेविल द ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट अपने रिलीज के पहले दिन टोटली जो वर्ल्ड वाइडली कमाई किया है पूरे 3 करोड़ 50 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, यही है डेविल द ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट मूवी के पहले दिन के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, जो कि हो चुका है पूरे 3 करोड़ 50 लाख रुपए। यहाँ पे बात करें दोस्तों मूवी कतीरा के बारे में, तो दोस्तों कतीरा ने ब्लॉकबस्टर ओपनिंग लिया है ऑल ओवर ऑफ कर्नाटका पे। चैलेंजिंग स्टार दर्शन सर की मूवी कतीरा को हर जगह से ग्रेट रेस्पॉन्स मिले हैं, लोग सेलिब्रेशन पे उतर आए कतीरा मूवी के लेके। आपको बताना चाहूंगा, कतीरा मूवी के टोटल बजट है पूरे 40 करोड़। और कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों, मूवी कतीरा ने अपने रिलीज के पहले दिन यानी आज जो नेट कमाई किया है पूरे 8 करोड़ का, जबकि इंडिया के अंदर आज डोमेस्टिक ग्रोस कलेक्शन किया है पूरे 10 करोड़ का, और ओवरसियस कलेक्शन आया है यानी इंडिया के बाहर से जो कमाई आया है पूरे 1 करोड़ 20 लाख रुपए। यानी दोस्तों, चैलेंजिंग स्टार दर्शन सर की मूवी कतीरा ने अपने रिलीज के पहले दिन टोटली जो वर्ल्ड वाइडली कमाई किया है पूरे 11 करोड़ 20 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, यही है डी बॉस चैलेंजिंग स्टार दर्शन सर की मूवी कतीरा के पहले दिन के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, जो कि हुआ है पूरे 11 करोड़ 20 लाख रुपए। यानी दोस्तों, मूवी कतीरा ने भी बम्पर ब्लॉकबस्टर ओपनिंग लिया है। यहाँ पे बात करें दोस्तों मूवी सालार के बारे में, तो दोस्तों सालार रिलीज के पूरे 8 दिन कंप्लीट हो चुका है। सालार मूवी के टोटल बजट है पूरे 270 करोड़। कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों, ऑफिशियली तौर पे कल एक पोस्टर रिलीज किया गया था कि मूवी ने 6 दिनों में टोटली वर्ल्ड वाइडली ग्रोस कलेक्शन किया है पूरे 500 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, सालार ने अपने 6 दिनों में टोटली वर्ल्ड वाइडली ग्रोस कलेक्शन किया था पूरे 500 करोड़। और मूवी ने अपने 7वें दिन पे यानी कल इस मूवी ने वर्ल्ड वाइडली ग्लोबली कलेक्शन किया था पूरे 22 करोड़ का यानी 22 करोड़ का। बात की जाए दोस्तों मूवी के 8वें दिन यानी आज की कलेक्शन की, तो दोस्तों मूवी सालार ने आज जो इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कमाई किया है ऑल भाषाओं में पूरे 11 करोड़ का, जबकि इंडिया के अंदर आज डोमेस्टिक ग्रोस कलेक्शन हो चुका है पूरे 14 करोड़ का, और आज ओवरसियस यानी इंडिया के बाहर से जो कमाई आया है पूरे 5 करोड़ का। यानी मूवी सालार ने अपने 8वें दिन पे यानी आज जो वर्ल्ड वाइडली कमाई किया है पूरे 19 करोड़ का। और इसके साथ मूवी सालार के 8 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को अगर एक साथ जोड़ दी जाए, तो दोस्तों मूवी सालार के 8 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होता है पूरे 541 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, यही है सालार सेस फायर पार्ट 1 के 8 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, जो कि हो चुका है पूरे 541 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, यही थे तीनों ही मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। इन तीनों मूवी में से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा। और आगे के अपडेट के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में। टेक केयर दोस्तों, बाय।